Hello and welcome back, my dear friends. I'm Kumar Supravin. I'm warmly welcome to all of you to this KS Educational Hub. तो आज हम सब कुछ 10 important simplification के questions पे हैं. I hope कि आप लोगों को काफी benefit देने वाला है ये. तो चलिए देखते हैं कि क्या question है आपका. पहला question मैंने कुछ ऐसा लिया है 64 × 10⁸ फिर आपको मैंने इसमें addition दिया हुआ है 51 × 12⁵ अब आप इसको कैसे करेंगे एग्जाम में. क्या आप इसको ऐसे कर देंगे 64 × 10⁸ + 3 = 83/8 राइट. बहुत कोई ऐसे करेंगे प्लस 51 × अब यहां पर 17 × 12 आप करेंगे 17 × 12 + 5 करेंगे और ये डिवाइडेड बाय 17 कर देंगे राइट. ये कंडीशन आप करेंगे लेकिन मैं आपको इस स्टेप से बचने के लिए बोलता हूं. ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है. अब आप इसको कैसे करेंगे एग्जाम में ये सोचिए. 640 ये है ना 64 इस टर्म को आप एक बार इससे इंटू कीजिए और दूसरे बार फिर इसको इंटू कीजिए. क्या करना है आपको 640 हो जाएगा प्लस 64 × 3/8 = 24 = 640 664 आपको इसका वैल्यू पता चल गया. अब आपको इसका वैल्यू पता करना है 51 × 12 व्हाट इसको आप कैसे करेंगे 510 हो जाएगा ये 102 आपका क्या हो जाएगा 216 612 प्लस जब आप इसको करेंगे तो फिर 17 3 और ये 5 3 15 और आपका क्या निकल कर आएगा 627 प्लस 664 का वैल्यू आपको ऐड करना है तो क्या मिलकर आ जाएगा 11 और ये 628 9 और ये 6 6 12 1291 आपको इसका वैल्यू पता चल गया. कितना देर लगा आप लोगों को करने में. आप लोगों ने क्या किया ये स्टेप्स को माइंड में किया और बस आपको इंप्लीमेंट क्या करना था ये फाइनल स्टेप जो हम लोगों ने लिखा ये स्टेप के बाद ये स्टेप है और फाइनल आंसर आपका पता चल गया. मतलब टर्म आपका ये होना चाहिए कि 64 से आप इसको 10 में पहले इंटू करें और फिर 64 से आप इसको 3/8 में इंटू करें और यही सेम कंडीशन 51 × 12 करें और फिर 51 से आप 5/17 को इंटू करें और आपका ऐसा आ जाएगा वैल्यू राइट. इसमें बस एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे करेंगे. दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बहुत कोई सीखे होंगे और आपके एग्जाम में कैसा रहता है आपके स्क्रीन पर ऐसा रहता है क्वेश्चन व्हाट 54 × 32 ऐसा कुछ रहेगा. या आप इसको आप क्या करते हैं कि अपने रफ सीट पे आप 54 × 32 ऐसा लिखते हैं और उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं और यहां पर आप क्या करते हैं 4 2 8 5 2 10 और 12 22 carry 2 5 3 15 17 28 ऐसा आप करते हैं. लेकिन आप इसको ये स्टेप से बचा कीजिए. आपके स्क्रीन पर ये रहता है 54 × 32 अब आप डायरेक्टली यहां पर कैसे कर सकते हैं ये देखिए 4 × 2 = 8 राइट 4 × 3 और ये 5 × 10 ये दो टर्म आपका है 4 3 12 5 2 10 22 carry what 2 अब 5 से आप ये 3 को टर्म लीजिए 5 3 15 15 + 2 = what 17 28 आपको आंसर निकल गया. आपको इस स्टेप को यहां लिखने की जरूरत नहीं आप स्क्रीन पे देखिए और बस अपना माइंड यू नो माइंड कैलकुलेशन और फाइनल आंसर आपको अपने माइंड से ही लाना है. और इन चीजों में आपको समझ में आ गया कि कैसे एग्जाम में करना है ऐसे क्वेश्चंस को राइट. चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखिए सेकंड क्वेश्चन कुछ मैंने ऐसा लिया है 15 × 3/4 × 12 × 2/5 अब आप लोग में से बहुत कोई इसको पहले फ्रैक्शन को तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे लेकिन मैं ये बोलूंगा कि नहीं फ्रैक्शन को मत तोड़िए. ये 15 से पहले 12 को कीजिए और फिर 15 से आप 2/5 को कीजिए और फिर से 3/4 को आप 12 से कीजिए और 3/4 को आप 2/5 से कीजिए. देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है 15 × 12 आपको पता है 15 × 10 = 150 और फिर से 15 2 times = what 180 ये अपना अपना तरीका है. क्या 15 से आपको 12 को इंटू करना था तो क्या किया मैंने 15 से पहले 10 को इंटू किया = what 150 और फिर से आप 15 को बस 2 टाइम्स कर दें तो 15 2 = 30 व्हाट आपका निकल के आ गया 180. तो वही 180 को मैंने यहां लिखा राइट 180 आ गया प्लस फिर से 15 2/5 तो ये 5 के कारण 15 कैंसिल हो गया 3 2 = 6 प्लस 3/4 से आप 12 को करना है ये नीचे वाला 3/4 से 12 4 3
तो 9 आपका आ गया प्लस 3 बाई 4 इंटू 2 बाई 5, 2 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हुआ तो 3 बाई 10, राइट 3 बाई 10 आ गया। अब आपको इसमें क्या है 180 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15, 15 प्लस 180 इज इक्वल टू 195, 195 प्लस 3 बाई 10, क्या आप इसको लिखेंगे 195 इज टू 3 बाई 10, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना टाइम लगा ऐसे क्वेश्चंस को करने में, लेकिन हाँ ये चीज जो मैंने बेसिक सिखाया था कैसे ऐसा हुआ अब आप लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है उसमें। इसीलिए मैंने 2-3 वीडियो बोला था कि बेसिक्स से ले चलूंगा, बहुत आसान तरीके से आप सब उस चीजों से डील कर सकते हैं। और आपका फाइनल आंसर देखिए इस क्वेश्चन का ये हुआ, अगर आप इसको फ्रैक्शन को तोड़ते फिर मल्टीप्लीकेशन करते तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम लगता, तो इन छोटे से स्टेप से आप डायरेक्टली आंसर निकालिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने जो कुछ क्वेश्चन लिया है वो ऐसा है 81:4/9 × 18:5/3 × 18, राइट। अब आप इस टर्म को पहले तोड़ेंगे फिर इस टर्म से गुना करेंगे और ये मल्टीप्लीकेशन काफी टिपिकल हो जाना है, इसको क्या कीजिए आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 81 से पहले 18 कीजिए। अब 81 से 18 करने का बस मैंने वो जो तरीका बताया उसको फॉलो कीजिए, 81 इंटू 20 आप कर दीजिए और बाद में आपको क्या करना है 2 टाइम्स 81 बस माइनस कर देना है। 81 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट आपको पता है 160, तो 162 और ये जीरो हो जाएगा। अब 81 2 टाइम्स 162 इसमें बस माइनस कीजिए 8, ठीक है 8 माइनस और ये 11 हो गया, 11 माइनस 6 5 और ये क्या हो जाएगा 4, 1458, 1458 आपका वैल्यू निकल गया, मतलब 1458 वैल्यू निकल गया। प्लस 18 से अगर आप इसको करें 3 6 5 6 व्हाट 3 27 5 टाइम्स, आपको पता होना चाहिए कि 27 3 टाइम्स क्या हो जाता है 81 होता है और 27 5 टाइम्स क्या हो जाता है 135 हो जाता है। ये 3 टाइम्स में आता है, ये 5 टाइम्स में आ जाता है, ये सब चीजें 27 जैसे रहा तो क्लिक होना चाहिए, ये सब बहुत कॉमन चीज है। प्लस 135 प्लस अब आप 4/9 से इसको करें तो 9 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, मतलब ये टर्म 9 से 18 2 टाइम्स कैंसिल, 4 2 जाए 8 प्लस, अब इस चीज को करें आप तो क्या होगा ये 520 डिवाइडेड बाई 27, अब ये होल क्या है आपका इंटू 18 है, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल एडिशन है, इसको आप एडिशन कीजिए 135 और ये 8 टाइम्स इसमें ऐड तो 143, लिटरली आपका वह क्या हो जाएगा 143 ऐड हो जाएगा, 81549041561601 आ गया, 1601 प्लस 20/27 इंटू 18, ठीक है क्लियर। अब क्या करना है, एक बार आपको 18 से ये करना होगा और एक बार 18 से ये करना होगा, फिर से 18 से जब आप कर रहे हैं 1601 तो वही टर्म लेके चलिए, क्या 20 से कीजिए, आपको पता होना चाहिए 16 का डबल टाइम क्या हो जाता है 32 हो जाएगा और एक जीरो और लग गया। अभी फिर क्या करना है 16 का डबल टाइम्स आपको माइनस कर देना है, मतलब क्या 3202 इसमें माइनस कर देंगे, 3202 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह 81 और यह आपका क्या निकल के आ जाएगा 8, यह क्या हो जाएगा 11-3 8 और यह 2 2 8 8 1 8 आगे निकल गया आपका 2 8 8 1 8 इंटू, अच्छा ये प्लस आपका क्या निकल कर आया 27। अगर आप इसको 9 से 2 टाइम्स और 9 से 3 टाइम्स, राइट, मतलब 20 × 2 = 40 बन जाएगा और यह क्या बन जाएगा आपका नीचे 3 बन जाएगा। अब ये चीजें, अब इसको आप फ्रैक्शन को तोड़िए, ये क्या है अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अभी इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज कर दीजिए तो क्या बनकर आ जाएगा 288। अगर इम्प्रॉपर में इसको चेंज करेंगे तो लिटरली इसका क्या बनेगा 1 टाइम्स और यह क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 13 1/3। अब 13 इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा 288 और ये क्या हो जाएगा 112 31 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बहुत कम टाइम, आई होप सो कि ये चीजें क्लियर हो रही है आपकी, ठीक है। तो यही इसी तरीके से आप जाइए, हाँ ये अगर अप्रोच से आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप इस अप्रोच से जाइए, अगर नहीं तो आप जो अपना अप्रोच लिए हुए हैं जिस अप्रोच के थ्रू आप सॉल्व करते हैं आप उसके थ्रू जाइए, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मैंने ऐसा लिया है कि 6:2/5 6:1/4 प्लस 7:3/4 माइनस 3:1/2 ये टर्म है, राइट। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आप, मैंने अभी तक जो भी बताया आपको उस अप्रोच से आप चलेंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल लग रहा है। क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि आपने देखा कि ये 6:5 = 30 और प्लस 2 = 32/5 और इस टर्म में आप देखिए 6:4 = 24 प्लस 1 = 25 और ये टर्म कट जाएगा, इसीलिए हम सब उस अप्रोच के थ्रू नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? 5:6 = 30, 32/5 राइट इंटू 24, 25/4 राइट। तो अभी क्या हो गया, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया और ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, आपका क्या निकल कर आ गया? 40। बहुत कॉमन। देखिए बहुत चीजें छुपी रहती है क्वेश्चंस में, आपको बस डील करना आना चाहिए और एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चन तो उसी बेसिस पे, क्योंकि अगर आपका वहां पे माइंड चल गया तो डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम में बना लेंगे, अगर नहीं चला तो आप फंस के रह जाएंगे। अब ये चीजों को आप कैसे करेंगे? ये चीजें तो बहुत सिंपल है। 7:3/4 में 7 - 3 = 4। अब अंदर की बात करें, 3/4 और 1/2, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और ये क्या हो जाएगा? 1/4 राइट। जब आप इसको तोड़ रहे हैं तो क्या एलसीएम 4 और यह 3 आपका हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? 2 times तो 3 - 2 = 1, तो लिटरली आपका 4 + 1/4 आ गया। अब जब ये टर्म आ गया क्या 4 + 1/4 तो 44:1/4 इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या कुछ भी हार्ड था? और ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन आपके क्वेश्चंस में आया करता है डेफिनेटली। तो चलिए हम सब फिर आगे चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्या 15:3/4 है डिवाइडेड बाई 9/7 प्लस 7/8 इंटू 16/3 प्लस 16/3 राइट। अब इसको आप कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको स्प्लिट कर दें, इसका फ्रैक्शन अगर आप तोड़ दें तो 15:4 = 60 और यह 63/4 हो जाएगा और इसको इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 7/9 और आपको पता है यह क्या 7 टाइम्स में कट जाएगा राइट। अब इसको आप देखिए यहीं पर ये काट दीजिए राइट, तो क्या आ जाएगा आपका? ये 14/3 प्लस 16/3, ये दोनों एलसीएम सेम है तो आपका टोटल ये क्या निकल कर आ जाएगा? 30/3। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 राइट। तो आपका क्या आ गया? 49/4 प्लस 10। अब आप इसका फ्रैक्शन में बना लीजिए तो क्या निकल कर आएगा? 4:1 और 4:2, 1/4 प्लस 10, तो आपका वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा? सॉरी 22:1/4 ये आपका आंसर हो जाएगा राइट। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, 3:1/3 -1:1/9 = x, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, -2:3/7 और -1:1/2 ये आपका टर्म है। अगर आप इसमें छोटा सा एक चीज देखिए, क्या कि x वाला टर्म आप एक साइड रखिए, बाकी सारे टर्म को एक साइड देखिए तो क्या निकल कर आएगा? ये 3 - 1, इन चीजों को लिखने से बचिए, लिखना नहीं है आपको। 3 - 1 = 2, 2 + 2 = 4 और 4 + 1 = 5 ठीक है, ये आपका माइंड में होना चाहिए 5। अब देखिए क्या था, ये 1/3 और यह 1/9 और यह तो इधर आ जाएगा तो +3/7 और यह भी आपका +1/2। अब ये और ये टर्म को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे? अगर आप इसका (3) यहां कर दें, (3) यहां पे कर दें तो 9 आपका एलसीएम हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? 3 - 2, 2/9 आपका निकल कर आ जाएगा प्लस। अब आप इसको करें तो 7 - 14 यह आपका 2 times 6 प्लस और ये 7 times 7 13/14 आपका निकल कर आ गया। मतलब क्या हो गया आपको कि 2/9 प्लस 13/14 बस आपको सॉल्व करना है और बाहर में आपका क्या था? 5 था राइट, 5 प्लस ठीक है।
ये चीजें क्लियर। अब 9 और 14 आप करेंगे तो क्या 126 एलसीएम हो जाएगा। डायरेक्टली कीजिए 9 इंटू 14, ये 14 टाइम्स, 14 टू जा 28 प्लस 14 9 जा ये 49 जा 39 जा 117 राइट। ये ऐड कर दीजिए तो क्या निकल कर आएगा 5 और यह 8190, ये क्या हो जाएगा 117 और 28, 15 2 1 3 8 4 और ये आपका 145 बाई 126 राइट। मतलब आपका टर्म निकल करके आ गया 5 प्लस और ये 145 बाई 126 ये निकल कर आ गया। अगर आप इसको तोड़ दें, फ्रैक्शन में कर दें तो क्या निकल कर आएगा 1:2, 26 माइनस हो जाएगा यहां से तो क्या निकल कर आएगा 9 और ये 1, 19 बाई 126। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 इसमें ऐड था तो फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा 6:19 बाई 126। क्लियर है? तो बस इसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है ये सारा। ये आपका x का वैल्यू निकल गया राइट, क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके पास। देखिए नेक्स्ट टर्म कुछ ऐसा है 5:3/4 है प्लस 6:5/8 प्लस 9:7/12 और -4:5/6। अब आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको बहुत सिंपल, पहले 5 + 6 = 11, 11 + 9 = what 20, 20 - 4 कर दीजिए 16 आपका हो गया ठीक है। 16 प्लस अंदर में आपका क्या बचा 3/4 बचा प्लस 5/8 और प्लस 7/12 बचा और फिर आपका -5/6 बचा राइट। अब इस दोनों टर्म को आप देखें तो बहुत कॉमन है, 8 अगर एलसीएम लेते हैं तो यह क्या निकल कर आएगा, ये 6 + 5 = what 11/8 हो जाएगा और इसकी बात करें तो यह क्या हो जाएगा 12 अगर एलसीएम होता है तो ये 7 - 10 तो -3/12 निकल कर आ जाएगा। अब आपको ये सॉल्व करना है, बाहर में आपका 16 है, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 24 राइट और ये 3 टाइम्स तो 33 और ये क्या हो जाएगा -6, 12 2 जा 3 2 जा 6 राइट। तो क्या हो जाएगा ये टर्म निकल कर आपका 27/24 निकल कर आ गया। 27 तो आपको पता है 3 9s और 3 8 8 टाइम्स में। अब इसको आप जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1:1/8 निकल कर आ गया और 16 + 1 = what 17, 1/8 ये आपका आंसर हो जाएगा राइट। तो ऐसा ये मैं फ्रैक्शन वाले अभी बस जा रहा हूं, मैं चलूंगा इसके बाद परसेंटेज पे भी और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन पे चलेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि जब आपके पास मिक्स क्वेश्चन आएगा तो उन सभी चीजों पर बात करेंगे। अचानक से मत बढ़िए, मैं आपको लेवल बाय लेवल लेके जा रहा हूं। तो ये आंसर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है 1:4/7 प्लस 1:3/5 प्लस 1:1/3। अब आप इसको कैसे करेंगे? क्या बहुत छोटा है कि 1 और 1 और 1 3 टोटल आपका हो गया प्लस अगर आपके पास अंदर में क्या है 4/7 प्लस 3/5 प्लस 1/3 राइट। इसमें ऐसा कोई कॉमन टर्म तो नहीं लग रहा है, हाँ 5 और 3 को आप बना सकते हैं कॉमन, लेकिन फिर भी आपको क्या करना होगा बाद में लेकर साथ में चलना ही होगा। तो एक काम कीजिए डायरेक्टली सभी का एलसीएम ले लीजिए तो 7 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 5 5 3 15 15 7 105 राइट। तो 105 आपका हो गया। अब देखिए आप क्या, ये आपका 7 से अगर आप 105 देखें तो क्या हो रहा है, मतलब 5 3 15 टाइम्स में हो रहा है तो 15 4 जा आपका 60 हो जाएगा राइट। 5 से देखें 7 3 21 टाइम्स पे तो यह क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा प्लस आप इसको देखें तो ये 35 टाइम्स पे, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 35। तो इन सभी को ऐड करें तो 5 3 8 आपका यह 8 और 6 6 12 और 3 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 158/105 और आगे आपका क्या था 3 प्लस। अब इसको आप तोड़ दें तो 3 + 1 = what 4 हो जाएगा और यह 58 - 5 = what 53 तो 153/105 ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा राइट। देखिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3:6/7 -6:1/4 +5:1/3, राइट। आपने क्या देखा, 3 + 5 = 8, 8 - 6 = what 2, राइट 2। अंदर में आपके पास अब क्या है, 6/7 -1/4 और यह क्या +1/3, सारे कैल्सियम ले लीजिए, अब क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 - 12 × 7 = what 84, 84 आपका जब एलसीएम आ गया, तो यह देखें 4 × 3 = 12, 12 × 6 = आपका क्या हो जाएगा 72 का टर्म बन जाएगा -7 × 3 = 21, तो 21 आपका ये क्या बन जाएगा 21, और फिर यह क्या था आपका 3 × 8 = 24 = 28, तो ये 28, और 72 और 28 तो मिलकर आपका 100 हो जाएगा, 8 + 2 = 10, और 100 - 21 = what 79, 79 by 84, और आपके पास पहले से क्या था 2, तो 2 = 79 by 84, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान। तो आई होप कि ये जो फ्रैक्शनल आपका एडिशन मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम चल गया होगा। अब हम सब आगे परसेंटेज पे बात करेंगे और परसेंटेज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आपके आपके लिए कुछ होमवर्क है और आपको ये फाइंड करके बताना है, क्या 7:2/7 × 189 + 452 = what 2000 - x, और आपको x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, और मुझे ये कमेंट में आप सबका आंसर चाहिए, किसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई और देगा या फिर लेट देम डू या लेट देम टीच या लेट मी टीच, ऐसा नहीं, सब कोई आप लोग आंसर दीजिए। एक स्टेप आगे बढ़िए, देखिए आप लोगों को 2 या 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगी। आप हर हमेशा सोचिए एक स्टेप आगे बढ़ने का और स्टेप लीजिए, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के ऊपर छोड़ देना। आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप सब बहुत सीरियस हैं, और डेफिनेटली आप सबको क्रैक करना है इस टाइम का SPI। तो हम सब फिर मिलते हैं कुछ अच्छे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के साथ, आप प्रैक्टिस करते रहें और साथ में जो हमारा पजल चल रहा है उसको बनाते रहें।